नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे HSG एंड आर्थ्रोग्राफी स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में। तो यहाँ पे इसके 20 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को हम डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं वो। तो आइए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। कॉन्ट्रास्ट डोज ऑफ एयर फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी ऑफ शोल्डर आर्थ्रोग्राफी। शोल्डर जॉइंट की आर्थ्रोग्राफी के दौरान डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के दौरान हमें जो कॉन्ट्रास्ट डोज होती है एयर की वो कितनी यूज करते हैं। ऑप्शन ए 10 से 20 ml, ऑप्शन बी 15 से 30 ml, ऑप्शन सी 2 से 3 ml एंड ऑप्शन डी 8 से लेके 10 ml। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8 से लेके 10 ml। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट फॉर एल्बो जॉइंट आर्थ्रोग्राफी। एल्बो जॉइंट के आर्थ्रोग्राफी के लिए कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के रिगार्डिंग निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए इंजेक्टेड इन लेटरल अप्रोच, कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन लेटरल अप्रोच में इंजेक्ट किया जाता है। ऑप्शन बी पेशेंट शुड बी इन प्रोन पोजिशन, पेशेंट को प्रोन पोजिशन में रखा जाता है। ऑप्शन सी एल्बो शुड बी कम्प्लीटली एक्सटेंडेड, एल्बो को कम्प्लीटली एक्सटेंड करके रखा जाता है। ऑप्शन डी 3 से 6 ml कॉन्ट्रास्ट शुड बी इंजेक्टेड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एल्बो शुड बी कम्प्लीटली एक्सटेंडेड। दोस्तों जब हम एल्बो जॉइंट की आर्थ्रोग्राफी करते हैं तो एल्बो जॉइंट की आर्थ्रोग्राफी के दौरान हम इंजेक्शन करते हैं कॉन्ट्रास्ट का, तो वो लैटरल अप्रोच में करते हैं और पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटाते हैं। उसके बाद में एल्बो को हम क्या करते हैं 90 डिग्री के फ्लैक्स कर लेते हैं, करवा देते हैं एल्बो को पेशेंट की 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं हम 3 से लेकर 6 ml कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं और प्रोन पोजिशन में पेशेंट होता है। लैटरल अप्रोच के अंदर कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन करते हैं और यहाँ पर एक्सटेंड नहीं होता है, यहाँ पर होता है फ्लैक्स्ड पोजीशन में। जैसे कि आप यहाँ पर एक इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं साइट ऑफ नीडल एंट्री, नीडल एंट्री की साइट। यहाँ पर होता क्या है कि जब 90 डिग्री क्यों लेते हैं हम, यहाँ पर 90 डिग्री से क्या होता है कि जो पेशेंट का जो जॉइंट कैप्सूल वो स्प्रेड हो जाता है, तो उस ताकि उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट इजिली हम इंजेक्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन इंडिकेशन फॉर HSG एक्सेप्ट। किसके सिवाय निम्न में से HSG के सभी कॉमन इंडिकेशंस है। ऑप्शन ए इनफर्टिलिटी, ऑप्शन बी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ऑप्शन सी पोस्ट ट्यूबल सर्जरी एंड ऑप्शन डी रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। दोस्तों जो HSG के जो इंडिकेशंस है इनफर्टिलिटी के केस में, अगर ट्यूब में किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन स्टोनोसिस या स्ट्रिक्चर है तो उसको देखने के लिए करते हैं। ठीक है, और जो पोस्ट ट्यूबल सर्जरी होती है ट्यूब की, ट्यूब सर्जरी मतलब ट्यूबेक्टोमी करते हैं, तो उसके बाद में ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए देखते हैं कि ऑपरेशन सक्सेस हुआ है या नहीं। एंड जो रिकरेंट बार बार होने वाले जो इस अबॉर्शंस होते हैं उनको भी इस प्रोसीजर के थ्रू हम देखते हैं। बट जो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का मतलब है कि फीमेल्स के अंदर ब्लीडिंग जैसे 45 से लेकर 50 की एज के अंदर ब्लीडिंग क्या है बंद हो जाती है, मतलब ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, तो उसके बाद में भी अगर किसी के अंदर ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए हम HSG सजेस्ट नहीं करते। HSG बेसिकली इनफर्टिलिटी के केस वाले कंडीशंस में ही हम सजेस्ट करते हैं। HSG इज नॉट मच यूजफुल टू इवैल्यूएट एंडोमेट्रियल डिजीज विच आर द मेन रीजन फॉर द पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, क्योंकि एंडोमेट्रियल डिजीज को इवैल्यूएट करने के लिए हम HSG प्रीफर नहीं करते, मतलब ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है, यही इसका एक कारण है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का। बट इट मेनली यूज टू लुक फॉर ट्यूबल पैटर्न्स इन इनफर्टिलिटी पेशेंट्स एंड पोस्ट ट्यूबल सर्जरीज। पोस्ट ट्यूबल सर्जरीज और जो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ही सबसे क्या है बहुत ज़्यादा मच यूजफुल होती है। इट आल्सो कैन बी यूज इन केस ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन टू लुक फॉर एनी मलेरियन एनोमलीज, किसी भी प्रकार की मलेरियन एनोमलीज को देखने के लिए भी है रिकरेंट जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं उनको चेकआउट करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रिलिमिनरी फिल्म इज टेकन इन नी आर्थ्रोग्राम। नी आर्थ्रोग्राम के दौरान निम्न में से कौन से प्रिलिमिनरी फिल्म ली जाती है। ऑप्शन ए है
नी एपी, ऑप्शन बी नी लेटरल, ऑप्शन सी टनल व्यू एंड ऑप्शन डी स्काईलाइन व्यू एंड ऑप्शन ई है इसका बोथ ए एंड बी। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई बोथ ए एंड बी। दोस्तों नी जॉइंट की आर्थ्रोग्राफी करते हैं तो उस दौरान हम नी जॉइंट की जो बिफोर कॉन्टास्ट इंजेक्शन फिल्म होती है यानी प्रीलिमिनरी फिल्म होती है वो हम यहाँ पर नी जॉइंट की एपी लेते हैं और लेटर लेते हैं। जो बाकी ये जो दोनों व्यूज है वो आफ्टर कॉन्टास्ट इंजेक्शन के टेकन आउट किए जाते हैं। फिल्म ए एंड बी टेकन बिफोर कॉन्टास्ट इंजेक्शन एंड फिल्म सी एंड डी टेकन आफ्टर कॉन्टास्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली सीटी आर्थ्रोग्राम ऑफ एंकल जॉइंट इज प्रिफर्ड। सीटी आर्थ्रोग्राम होता है एंकल जॉइंट का बेसिकली क्यों प्रिफर किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑस्टियोकोंडाइल डिफेक्ट्स, ऑप्शन बी लिगामेंट इंजरी, ऑप्शन सी लूज बॉडीज एंड ऑप्शन डी जॉइंट रप्चर। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्टियो कोंडल डिफेक्ट्स। दोस्तों ये तीन चारों के चारों ही क्या होते हैं कि अगर फ्लोरोस्कोपी आर्थ्रोग्राम यानी कि एक कन्वेंशनल आर्थ्रोग्राम के अंदर हम इन ऑस्टियोकोंडल डिफेक्ट को अगर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो उस केस के अंदर हम क्या प्रिफर करते हैं, डॉक्टर क्या प्रिफर करते हैं, एक सीटी आर्थ्रोग्राम उस पेशेंट का। फ्लोरोस्कोपी आर्थ्रोग्राम ऑफ एंकल जॉइंट डू नॉट गिव फाइंडिंग ऑफ ऑस्टियोकोंडल डिफेक्ट देन प्रिफर्ड ए सीटी आर्थ्रोग्राम ऑफ एंकल जॉइंट। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्टियोकोंडल डिफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 इन विच टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एचएससी शुड बी डन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस समय में हमें एचएससी करनी चाहिए। ऑप्शन ए 6वें दिन से 10वें दिन के बीच में, ऑप्शन बी जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुअल, ऑप्शन सी एनी टाइम किसी भी समय, ऑप्शन डी 12वें दिन से लेके 14वें दिन के बीच के अंदर। तो यहां पर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 से लेके 10th डेज के बीच में। दोस्तों जो 10 डेज रूल होता है वो हमें बताता है कि किसी भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है किसी भी प्रकार का फीमेल्स के अंदर तो उसे हमें क्या है 10 डेज के अंडर ही प्रोसीड करना चाहिए। बिकॉज ओव्यूलेशन का जो 10 डेज होता है वो 14 डेज होता है और जो कंसेप्शन के चांस होते हैं वो 2 या 3 दिन पहले ओव्यूलेशन के एंड 2 या 3 दिन बाद में ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या है किसी भी प्रोसीजर को 10 डेज के अंदर ही परफॉर्म करना चाहिए। एंड जो फर्स्ट से लेकर जो 5th डेज होते हैं वो मेंसेज का टाइम होता है सो उस टाइम्स के दौरान हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का एक्स्ट्रावेजेशन होता है। ये एक उसका एक मुख्य कारण है कि कॉन्ट्रास्ट के एक्स्ट्रावेजेशन के कारण फर्स्ट से लेकर 5th डेज के अंदर हम वहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंसेज का टाइम पीरियड होता है। इसलिए हम जो बेस्ट पीरियड होता है वो होता है 6वें दिन से लेकर 10वें दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 द आइडियल पीरियड फॉर एचएससी। एचएससी के लिए आइडियल टाइम पीरियड है ऑप्शन ए 1st डेज से लेके 5th डेज तक, ऑप्शन बी आफ्टर ओव्यूलेशन एंड ऑप्शन सी एंड ऑफ मेंसेज एंड ऑप्शन डी बिटवीन 8th to 10th डेज। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं आइडियल टाइम पीरियड की, एक आदर्श टाइम पीरियड मतलब एक बेस्ट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। वैसे तो 6 से लेकर 10th डेज होता है बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक आदर्श टाइम पीरियड की। तो यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बिकॉज हम जो टाइम पीरियड मानते हैं एक एचएससी के लिए वो मानते हैं 6 से लेके 10th डेज के बीच के अंदर, ठीक है। बट और जो 10 डेज रूल हमें ये बताता है कि अंडर 10 डेज के अंदर हम किसी भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन को फीमेल्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। बट जो 1st से लेके 5th डेज तो हमें ये बताते हैं कि वो मेंसेज के कारण वहाँ पर एक्स्ट्रावेजेशन होता है कॉन्ट्रास्ट का, इसलिए वहाँ पर इसको परफॉर्म नहीं करती। एंड ओव्यूलेशन के बाद में तो ये बिल्कुल हम परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पर क्या है कंसेप्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। एंड जो एंड ऑफ मेंसेज होते हैं मेंसेज के एंड में भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। बट एक आदर्श टाइम पीरियड की बात कर रहा है तो यहाँ पर आदर्श टाइम पीरियड देखें तो हम यहाँ पर 8th से लेके 10th डेज इसका आदर्श टाइम पीरियड होता है आइडियल टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 इन चाइल्ड हिप आर्थ्रोग्राफी कॉन्ट्रास्ट डोज यूज्ड इज।
चाइल्ड के अंदर ही फार्थ्रोग्राफी, चाइल्ड की फार्थ्रोग्राफी के दौरान कॉन्ट्रास्ट की डोज कितनी यूज की जाती है? ऑप्शन ए है 10 से 15 ml, ऑप्शन बी 5 से 10 ml, ऑप्शन सी 1 से 2 ml, ऑप्शन डी 3 से लेके 5 ml। तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर होगा यहां पर 1 से लेके 2 ml। दोस्तों चाइल्ड के ही आर्थ्रोग्राफी के केस में हम देखें तो यहाँ पर 1 से 2 ml यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट की डोज। अगर हम अडल्ट की बात करें तो अडल्ट के ही आर्थ्रोग्राफी के दौरान हम करते हैं यूज 3 से लेके 5 ml। और जो कॉन्ट्रास्ट की डोज है बेसिकली जो जॉइंट कैप्सूल है उसकी कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है कि जॉइंट कैप्सूल की कैपेसिटी कितनी है। ये कॉन्ट्रास्ट की डोज किसके ऊपर डिपेंड करती है? जॉइंट की कैपेसिटी के ऊपर भी, कि जो जॉइंट है उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो ये वेरी करता है, 1 से 2 ml भी यहाँ पर, ये 2.5 ml भी हो सकता है या फिर 0.5 ml भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है उसे हिप जॉइंट के कैप्सूल की कैपेसिटी के ऊपर। तो इसलिए हम बच्चों के अंदर जनरली अगर डोज देंगे तो 1 से 2 ml यूज की जाती है, एंड अडल्ट के अंदर डोज देखे तो 3 से 5 ml हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन चाइल्ड हिप आर्थ्रोग्राफी विच फिल्म आर टेकन एज प्रीलिमिनरी फिल्म। चाइल्ड बच्चों की आर्थ्रोग्राफी के दौरान कौन सी प्रीलिमिनरी फिल्म ली जाती है यहाँ पर? ऑप्शन ए है हिप एपी, ऑप्शन बी हिप लैटरल, ऑप्शन सी प्रोग्लैटरल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना दो प्रकार की जो फिल्म, फर्स्ट एपी एंड लैटरल है, वो तो हम अडल्ट के लिए टेकन आउट करते हैं, एंड जो लास्ट वाली एक और फिल्म लेते हैं वो बच्चों के केस के अंदर प्रोग्लैटरल व्यू लेते हैं हम। सो हम कह सकते हैं कि फॉर अडल्ट हिप एपी एंड हिप लैटरल, एंड फॉर चाइल्ड बोथ एपी लैटरल एंड प्रोग्लैटरल। एपी लैटरल के साथ हम प्रोग्लैटरल भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इंडिकेशन फॉर हिप आर्थ्रोग्राफी इज, हिप की आर्थ्रोग्राफी के लिए यहाँ पर इंडिकेशन है ऑप्शन ए लूज बॉडी, ऑप्शन बी ट्रोमा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपैथी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। दोस्तों देखिए जो लूज बॉडीज होती है ये एक प्रकार से क्या होता है कि कार्टिलेज या फिर बोन का कोई पार्ट होता है या पीस होता है, वो अगर किसी जॉइंट के कैप्सूल के अंदर फ्रीली मूवेबल होता है तो वो कहलाती है लूज बॉडी। एंड ट्रोमा के केस में क्या होता है कि यहाँ पर या तो वहां पर पेन हो सकता है या फिर डिसलोकेशन हो सकता है उसका, तो ये उसको बताता है। आर्थ्रोपैथी होती है एक जॉइंट डिजीज को हमें बताती है, जॉइंट से रिलेटेड डिजीज है उनके बारे में बताती है, जैसे कि आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? एक आर्थ्रोपैथी है, जॉइंट डिजीज है। तो हम कह सकते हैं कि लूज बॉडीज क्या है? फ्लोटिंग पीस ऑफ कार्टिलेज और बोन इनसाइड द जॉइंट, एंड ट्रोमा हिप इंजरी और हिप डिस्प्लेसिया, एंड आर्थ्रोपैथी जॉइंट डिजीज लाइक आर्थराइटिस। तो आप यहां पर इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये लूज बॉडीज का डायग्राम है एंड ये है ऑस्टियो आर्थराइटिस का डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर HSG प्रोसीजर। निम्न में से HSG प्रोसीजर के लिए रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ऑप्शन ए है प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ऑप्शन सी एक्टिव मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन डी कॉन्ट्रास्ट हाइपरसेंसिटिविटी। तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक्टिव मेंस्ट्रुएशन। दोस्तों एक यहां पर जो वर्ड का अंदर है यहां पर रिलेटिव यानी सापेक्षिक, एक होता है एब्सोल्यूट यानी आपेक्षिक यानी निश्चित रूप से, और ये है आपेक्षिक उनके अपेक्ष सापेक्षिक रूप से यानी कि उनके सापेक्ष। तो यहां पर दो वर्ड है तो इस वर्ड का फर्क है यहां पर क्वेश्चन के अंदर, बाकी सभी इसके जैसे कि प्रेगनेंसी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है एंड कॉन्ट्रास्ट हाइपरसेंसिटिविटी, ये इसके क्या है एब्सोल्यूट पूर्णतः है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, बल्कि जो एक्टिव मेंस्ट्रुएशन है इसका पूर्णतः कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। मतलब इनके इस एक्टिव मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी हम कर सकते हैं बट इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट ही करते हैं कॉन्ट्रास्ट की एक्स्ट्रावेजेशन के कारण। सो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू 10-day रूल एनी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन इन फीमेल्स शुड बी अंडर फर्स्ट 10 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो एक्टिव मेंस्ट्रुएशन इज नॉट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन बट इट रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन,
because it not perform in first to fifth day of menses due to extravasation of contrast media. तो इसका यहाँ पर ये मेन कारण यही है, एक्स्ट्रावेजेशन होना कॉन्ट्रास्ट मीडिया का, इसलिए ये यहाँ पर इसका रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट यूज्ड इन एचएसजी। एचएसजी के अंदर ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज किया जाता है, तो उसका यहाँ पर एडवांटेज क्या है, यहाँ पर क्या फायदा है ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करने का। ऑप्शन ए है यहाँ पर, नो रिस्क ऑफ एम्बोलाइजेशन, एम्बोलाइजेशन का कोई खतरा नहीं होता है। ऑप्शन बी, नो रिस्क ऑफ पेरिटोनियल ग्रेनुलोमेटस रिएक्शंस, पेरिटोनियम के अंदर ग्रेनुलोमेटस रिएक्शंस का कोई प्रकार का रिस्क नहीं होता है। ऑप्शन सी है यहाँ पर, इंक्रीज्ड पोस्ट टेस्ट फर्टिलिटी रेट, टेस्ट के बाद में फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज कर देता है। ऑप्शन डी है यहाँ पर, ऑयल एम्बोलिज्म एंड इन्फेक्शन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड पोस्ट टेस्ट फर्टिलिटी रेट, बिकॉज जो ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है ये इसके डिसएडवांटेज है क्या क्या है। एक तो ये एम्बोलाइजेशन करता है, कर सकता है, ठीक है, तो एम्बोलाइजेशन का तो रिस्क होता है, ठीक है, और जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये एक्स्ट्रावेजेशन के कारण क्या पेरिटोनियल कैविटी में जा सकता है, तो वहां पर ग्रेनुलोमेटस जो रिएक्शन होती है उनके होने के चांसेस ज्यादा होती है। एंड एक होता है ऑयल एम्बोलिज्म बना सकता है और वहां पर इंफेक्शन कर सकता है, तो ये तो क्या है इसकी डिसएडवांटेज है, बल्कि इसका एक ये एडवांटेज है कि ये टेस्ट के बाद में जो फर्टिलिटी की रेट होती है उसको ये इंक्रीज कर सकता है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स मे क्लियर द इंपैक्ट इन ट्यूब लाइक स्ट्रिक्चर, स्टेनोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये क्या करता है ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, स्ट्रिक्चर, स्टेनोसिस और ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर इंपैक्ट डालता है वहां पर, तो उसको क्या है कम स्ट्रिक्चर को खोल सकता है ये, स्टेनोसिस और ऑब्स्ट्रक्शन इन तीनों को खोल सकता है एक तो, है ना, और एक डिक्रीज करता है वहां पर फ्रिक्शन को ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो इस प्रकार से ये ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है फर्टिलिटी की रेट को बढ़ा देता है वुमेन्स के अंदर आफ्टर टेस्ट के बाद। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द बेस्ट मॉडलिटी टू लुक फॉर फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को देखने के लिए निम्न में से बेस्ट मॉडलिटी है। ऑप्शन ए यूएसजी, ऑप्शन बी एमआरआई एंड ऑप्शन सी सीईसीटी, ऑप्शन डी एचएसजी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ नी आर्थ्रोग्राफी, नी जॉइंट की आर्थ्रोग्राफी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। ऑप्शन ए कार्टिलेज, कैप्सूल और लिगामेंट इंजरी, ऑप्शन बी लूज बॉडी, ऑप्शन सी पॉपलीटियल सिस्ट एंड ऑप्शन डी लोकल सेप्सिस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोकल सेप्सिस। लोकल सेप्सिस क्या होता है, लोकल सेप्सिस बताता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोकल सेप्सिस है बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन साइनोवियल फ्लूड, एंड जो लूज बॉडीज होती है जो कार्टिलेज एंड जो बोन के पीसेस होते हैं जॉइंट के इनसाइड जो तैरते हुए दिखते हैं हमें, पॉपलेटल सिस्ट जॉइंट के पीछे की तरफ देखें हम नई जॉइंट की तो वहां पर एक फ्लूड फिल्ड सिस्ट की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, तो वो कहलाती है पॉपलेटल सिस्ट, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं जिसको हम बेकर सिस्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये है यहाँ पर लोकल सेप्सिस और दिस इज द लूज बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द एडवांटेज ऑफ एचएससी ओवर सोनोहिस्टेरोग्राफी, सोनोहिस्टेरोग्राफी के ऊपर एचएससी का निम्न में से कौन सा एडवांटेज है। ऑप्शन ए बेटर फॉर एंडोमेट्रियल लीजंस देन सोनोहिस्टेरोग्राफी, ऑप्शन बी नो रेडिएशन एक्सपोजर, ऑप्शन सी नो नीड ऑफ एडिंग कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन डी बेटर ट्यूबल असेसमेंट देन सोनोहिस्टेरोग्राफी। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेटर ट्यूबल असेसमेंट देन सोनोहिस्टेरोग्राफी, बिकॉज ये तीनों ही गलत हो रहे हैं, यहाँ पर एडवांटेज नहीं है, बिकॉज जो सोनोहिस्टेरोग्राफी होती है उसके अंदर इकोविस्ट या एयर कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं सर्विस के अंदर, जो हमें यूट्रस फाइब्रोड होते हैं यूटेरन फाइब्रोड, यूटेरन पोलिप्स और स्केरिंग, तो उनका हमें बेटर असेसमेंट करना होता है तो हम इस सोनोहिस्टेरोग्राफी प्रोसीजर करते हैं, न कि अपने कन्वेंशनल एचएसजी प्रोसीजर, बट जो लेस इफेक्टिव फॉर ट्यूबल असेसमेंट देन कन्वेंशनल एचएसजी, ये
ट्यूबल जो असेसमेंट होता है, ट्यूब का असेसमेंट, ट्यूब का आंकलन, ट्यूब का जांच होती है, उसके अंदर ये बेटर असेसमेंट नहीं हो सकता है, ये बेटर हमें असेसमेंट नहीं दे सकता है सोनोस्टेरोग्राफी। सोनोस्टेरोग्राफी बेसिकली हमें यूट्रस की जो फाइब्रोइड की कंडीशन होती है, पॉलिप्स होते हैं या स्केरिंग होते हैं, उनको हम बेटर अच्छी तरीके से आकलन कर सकते हैं वहाँ पर, बजाय कि इसके ट्यूबल असेसमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एचएसजी इज डन फॉर, एचएसजी किसके लिए की जाती है? ऑप्शन ए यूटरस, ऑप्शन बी यूटेरिन कैविटी, ऑप्शन सी फेलोपियन ट्यूब एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एचएसजी प्रोसीजर सभी के लिए किया जाता है, यूटरस, यूटेरिन कैविटी एंड फेलोपियन ट्यूब, बट अगर हम मुख्यतः देखें तो ये फेलोपियन ट्यूब के लिए किया जाता है, बल्कि यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओनली हमें ये पूछा है कि एचएसजी किसके लिए किया जाता है, यूट्रस, यूटेरिन कैविटी एंड फेलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 17, लीच विल्किंसन कैनुला यूज इन, लीच विल्किंसन कैनुला का यूज किया जाता है, ऑप्शन ए साइलोग्राफी, ऑप्शन बी नेक्रोसिस्टोग्राफी एंड ऑप्शन सी एचएससी, ऑप्शन डी एमसीयू। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा एचएससी। एचएससी प्रोसीजर के दौरान हम लीच विल्किंसन कैनुला का यूज करते हैं, जो कि एक लीच की तरह होता है, लीच के शेप में होता है, जैसा कि आप लीच देखे होंगे तो उस प्रकार से ये इसकी शेप होती है। और साइलोग्राफी एंड डेक्रोसिस्टोग्राफी के अंदर तो आपको पता ही है कि किस कैनुला का यूज करते हैं, लैक्रिमल जो कैनुला होता है उसका यूज करते हैं वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इंडिकेशंस ऑफ एचएससी इज, एचएससी का इंडिकेशन है ऑप्शन ए इनफर्टिलिटी एंड रिकरेंट अबॉर्शन, ऑप्शन बी माइग्रेटेड आईयूसीडी एंड यूटेराइन और ट्यूबल लीजन्स, ऑप्शन सी ओनली ए इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यहां पर दोनों के दोनों ही यहां पर इसके इंडिकेशंस है, इनफर्टिलिटी हो या फिर रिकरेंट अबॉर्शंस हो, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस हो, तो उनके केस में भी ये इंडिकेट की जाती है, एचएससी को प्रीफर किया जाता है। एंड जो माइग्रेटेड आईयूसीडी इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज होती है, वो अगर यूट्रस से माइग्रेट हो जाती है तो उनके केस में भी हम ये करते हैं, और साथ ही साथ यूटेरिन और ट्यूबल लीजन्स होते हैं उनको भी हम एचएससी के थ्रू उनका डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अप्रोच ऑफ कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन इन एंकल जॉइंट आर्थ्रोग्राफी, एंकल जॉइंट की आर्थ्रोग्राफी के अंदर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन की अप्रोच है, ऑप्शन ए लैटरल अप्रोच, ऑप्शन बी मीडियल अप्रोच, ऑप्शन सी अप्रोच पोस्टीरियर अप्रोच एंड ऑप्शन डी एंटीरियर अप्रोच। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एंटीरियर अप्रोच। जैसा कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं इसके, ये जो कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन करते हैं हम ड्यूरिंग द एंकल जॉइंट आर्थ्रोग्राफी एंटीरियर अप्रोच से करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके दौरान क्या है, बेटर स्प्रेड होता है अपना जो एंकल जॉइंट है उसका जो कैप्सूल है एंकल जॉइंट का, वो अच्छी तरीके से स्प्रेड होता है ताकि कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन इजिली हम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20, कॉम्प्लिकेशन इन आर्थ्रोग्राफी इज, ऑप्शन ए पेन इन्फेक्शन एंड कैप्सुलर रप्चर, ऑप्शन बी ट्रोमा टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन सी ओनली ए इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। दोस्तों यहां पर इसके जो कॉम्प्लिकेशंस की बात करें आर्थ्रोग्राफी के अंदर, तो आर्थ्रोग्राफी के दौरान हम क्या करते हैं, इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं नीडल को जॉइंट कैप्सूल के अंदर, तो वहां पर पेन तो होता ही है, साथ ही साथ वहां पे इन्फेक्शन के चांस भी होते हैं, और साथ ही जो कैप्सूल है उसके रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पर, और साथ ही साथ उसके पास वाले जो लिगामेंट्स होते हैं उनके अंदर भी किसी प्रकार के स्ट्रक्चर्स के अंदर ट्रोमा के केसेस हो सकते हैं। तो ये सभी इसके क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं इसके अंदर प्रोसीजर में। दोस्तों इस प्रकार से आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। दोस्तों जो आने वाला वीडियो लेक्चर होगा वो होगा रीनल सिस्टम के ऊपर, तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रीनल सिस्टम के एमसीक्यूज के बारे में। सो थैंक यू सो मच।